हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम स्टिक्स से पेन स्टैंड। ये एक डिफरेंट टाइप का पेन स्टैंड है। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बॉक्सेस का यूज़ करके और आइसक्रीम स्टिक का यूज़ करके इसे बनाया है। इसे बनाने के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल रोल लिया है, एम्प्टी बॉक्स, जैसे शटल कॉक का बॉक्स होता है उसी टाइप का एक रोल का पीस ले लिया है कार्डबोर्ड का। ये पीस हमने लिया है 10 सेंटीमीटर हाइट का, और कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं। एक पेपर लिया है ब्लैक कलर का, ये है 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का। इस पर पहले हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे करेंगे। 1 सेंटीमीटर के गैप पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है। दोनों साइडों में स्पेस छोड़ना है और 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमें 1 सेंटीमीटर के गैप पे सभी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। साइड्स में हमने 1-1 सेंटीमीटर का गैप स्पेस छोड़ा है दोनों साइड्स पे, और उसके अलावा बचे हुए स्पेस में 1 सेंटीमीटर के गैप पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ये इस तरह से पूरे पेपर पे हमने लाइंस ड्रॉ कर ली है। सभी लाइंस हमारी ड्रॉ कर ली है हमने। अब इसे कटर स्केल की हेल्प से बीच में से कटिंग करेंगे। साइड का जो 1 सेंटीमीटर का स्पेस हमने छोड़ रखा है वहाँ पर कटर का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर हमने लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं सिर्फ वहीं पर कटर का यूज़ करेंगे। कटर की हेल्प से आयरन स्केल के साथ हमें इस पेपर पे कटिंग्स बनानी है। इस तरह से सभी लाइंस पे हमने कटर दोबारा से लाइनिंग की तरह ड्रॉ किया है, और ये सभी स्ट्रिप्स बीच में से इस तरह से कट गई हैं। अब इस तरह से आइसक्रीम स्टिक पिरो लेंगे इस पेपर में। इसी तरह से हमें 9 आइसक्रीम स्टिक्स सेट करनी है इस पेपर में 1 बाय 1 करके। सभी स्ट्रिप्स को इस तरह से एक स्ट्रिप छोड़ेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे। इसी तरह से एक एक स्ट्रिप के गैप पे ये सभी स्टिक्स को इस तरह से लगा लेना है हमें। और साथ ही साथ जो बीच में दो आइसक्रीम स्टिक्स के बीच में जो गैप आ रहा है उसे प्रेस करके इक्वल टाइट कर लेंगे। इस तरह से हमें सभी स्टिक्स को इस पेपर में सेट कर लेना है। ये मैट टाइप की लुक आ जाएगी। ये इस तरह से हमने सभी स्ट्रिप्स को इसमें सेट कर लिया है। बीच में अगर गैप है दो स्टिक्स के बीच में तो उसे थोड़ा थोड़ा स्लाइटली प्रेस करते हुए पास पास कर लेंगे ताकि बीच का स्पेस ना रहे, वो टाइटली फिक्स हो जाए। ये इसमें एक स्टिक और लगेगी अभी हमारी। इस तरह से हमने सभी स्टिक्स को सेट कर लिया है इस पेपर में। अब इस पेपर को हम जो हमने रोल लिया है सिलेंड्रिकल उस पर पेस्ट करेंगे ग्लू की हेल्प से। ये इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया है उस रोल के ऊपर आइसक्रीम स्टिक के। अब हम इसी तरह से एक पेपर की स्ट्रिप और ले रहे हैं। ये है 7 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का। इस पे भी उसी तरह से जैसे हमने पहले पेपर पे स्ट्रिप्स पे लाइंस बनाई थी स्ट्रिप्स टाइप में, 1 सेंटीमीटर इस साइड से और 1 सेंटीमीटर उस साइड से गैप छोड़ते हुए हमने इस तरह से इसमें
ये मैट टाइप में तैयार कर लिया। इसे सेम पहले वाले प्रोसीजर की तरह हमने ये प्रोसीजर अपनाया है। अब हमने एक स्क्वायर बॉक्स लिया है, इस बॉक्स पे ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट कर देंगे। ये चारों तरफ से ग्लू लगा के इस पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा स्क्वायर शेप का एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। इस तरह से चारों तरफ से इसे पेस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा बची हुई स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये इस तरह से हमारा स्क्वायर शेप का एक तैयार हो जाएगा। अभी हमने एक पेपर लिया है 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का, इसमें भी हमें उसी तरह से आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ करते हुए मैट टाइप का एक तैयार करना है। इसमें हमने 6 स्टिक्स यूज़ की हैं। ये हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया। अब इसके लिए भी हमने एक बॉक्स ले रखा है, उसके ऊपर इसे पेस्ट करेंगे। ये हमने एक ट्रायंगुलर बॉक्स लिया है, ये पेंसिल बॉक्स का एम्प्टी बॉक्स है, उसका यूज़ करते हुए हम इसे इस पर पूरा पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से पेस्ट हो जाएगा ये ग्लू लगाते हुए। अभी हमने 2 आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं और उस पर एक पतली पतली पेपर की स्ट्रिप्स ले लेंगे। इनको हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब कुछ आइसक्रीम के स्टिक्स लेंगे हम, पहले सबको एक साथ एक लेवल में रख लेंगे सभी स्टिक्स को। इस तरह से ये हमने 7 स्टिक्स ले ली हैं, इनको सभी को एक लेवल में कर लेंगे। अभी जो हमने पहले 2 स्टिक्स तैयार करी थी जिनके ऊपर पेपर पेस्ट किया था, उस पर ग्लू लगाएंगे। और ये जो सब स्टिक्स रखी हैं हमने, इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से दोनों स्टिक्स आपस में अच्छी तरह से स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। बीच में हमने पेपर का यूज़ इसलिए किया है ताकि अच्छे से चिपक जाए एक दूसरे के साथ। आप चाहें तो पेपर का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। अब हम कुछ डेकोरेशंस करेंगे। ये इस तरह से हमारा तैयार हो गया है बेस। अब हमने जो सबसे पहला स्टैंड बनाया था उस पर डेकोरेशन कर रहे हैं, स्टोन्स लगाएंगे उस पर। ये स्टोन्स हैं, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आप चाहें तो किसी भी डेकोरेटिव मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। मैंने सिंपल वाइट स्टोन्स का यूज़ किया है। इसको पूरी तरह से सभी तरफ से इस तरह से स्टोन्स लगा दिए हमने। इसी तरह से हमने ग्रीन बॉक्स पे भी लगाए हैं अलग कलर के, इस तरह से पिंक कलर के बॉक्स पे भी लगाए हैं जो हमने ट्रायंगल शेप में तैयार किया था। अब इन सभी को इसके बेस में ग्लू लगाते हुए जो पेन स्टैंड का हमने बेस तैयार किया है उस पर पेस्ट कर देंगे। ये सब से गया, अच्छे से ग्लू लगा लिया हमने। और इसको पेस्ट कर दिया है, अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि अपनी जगह पे सेट हो जाए। अब इसी तरह से एक स्क्वायर बॉक्स जो हमने तैयार किया था उसे भी पेस्ट करेंगे। उसके बेस में ग्लू लगाते हुए उसे भी हम पेस्ट
पेस्ट कर दे रहे हैं। अब जो ट्रायंगल शेप का हमने तैयार किया है उसके बेस में भी ग्लू लगा रहे हैं और इन दोनों पहले जो तैयार बॉक्सेस हैं उनके साथ इसे भी पेस्ट कर देंगे। ये तीनों अलग अलग शेप के पेन स्टैंड तैयार हो गए हैं। अब डिफरेंट साइज़ की चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।